लॉन्ग टर्म के लिए जो स्टॉक मुझे पसंद है, स्टॉक का नाम है जेएमसी प्रोजेक्ट्स। अनिल जी, खास बात यह है कि जैसे फंडामेंटल्स में यूजुअली हम लोग डिस्कस करते हैं कि टर्न अराउंड दिखने को मिल, अर्ली टर्न अराउंड पिक करने की कोशिश की जाती है फंडामेंटल चेंज होते हुए, ऐसे ही मैं यहाँ पर कोशिश कर रहा हूँ। लॉन्ग टर्म चार्ट में एक अर्ली टर्न अराउंड का कैंडिडेट है जेएमसी प्रोजेक्ट्स। अनिल जी, बेसिकली कल्तरु ग्रुप की एक कंपनी है जो कि बेसिकली इंजीनियरिंग, प्रोक्यूरमेंट, कंस्ट्रक्शन और साथ में बूट मॉडल, मतलब कि बिल्ड, ओन, ओनर, ऑपरेट एंड ट्रांसफर मॉडल पे काम करती है। बेसिकली 47 लाख रुपए का रेवेन्यू डेली पर डे जो है वो बूट मॉडल से आता है। और कुछ लैंडमार्क जो डिलीवरी इस कंपनी ने पिछले कुछ समय में दी है, उसमें सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग, गोवा में शिपयार्ड, एनटीपीसी की टाउनशिप्स, काफी अच्छी लैंडमार्क डिलीवरी कंपनी ने पिछले कुछ दिनों में, कुछ समय में डिलीवर किया है। मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म चार्ट यहाँ पर एक टर्न अराउंड दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। रिस्क रिवॉर्ड करंट लेवल्स पे काफी फेवरेबल नजर आता है। तो 72 रुपए का क्लोजिंग बेसिस पर स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। यहाँ पर टारगेट 6 से 8 महीने का रहेगा 125 रुपए का। और अगर ये टारगेट अचीव होते हैं अनिल जी, तो यहाँ पर 125 रुपए पर भी स्टॉक को बुक नहीं करना है। एक बड़ा, बड़े चार्ट पर यहाँ पर ब्रेकआउट आता हुआ नजर आएगा और शायद ये स्टॉक मल्टीबैगर होता हुआ नजर आए। तो बहुत अर्ली पिक करने की कोशिश की है ऑप्टिमम रिवॉर्ड टू रिस्क को देखते हुए। जेएमसी प्रोजेक्ट मेरी तरफ से एक लॉन्ग टर्म खरीदारी का आइडिया है।